टू मी अंडरस्कोर अविनाश एट 04। मैं तो दोस्त अविनाश, होप आप सब लोग खुश है अपनी लाइफ में और मैं भी बहुत खुश हूँ। क्यों, आज बहुत दिनों के बाद मैं जो मुंबई की लोकल ट्रेन वहाँ पे मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, 4 महीने हो गए राइट। अप्रैल में लास्ट टाइम गया था और फिर सेकेंड वेव कोविड का वी कुडंट गो, तो बहुत दिन के बाद लोकल ट्रेन की सवारी होने वाली है। मैं जा रहा हूँ बोरीवली से चर्च गेट और वहाँ से कफ पर है। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी अंडरस्कोर अविनाश 04 पे।
और एक्चुअली पहुंच गया हूँ चर्च गेट, आई एम गेटिंग डाउन चर्च गेट जहाँ पे मैं आया हूँ, और यहाँ से जाने वाला हूँ टॉप परेड। वहाँ की जर्नी आपको दिखाऊंगा, सो बी विद अस, बी अंडरस्कोर अविनाश 04 पे। प्रवाशांनी कृपया काळजीपूर्वक रांगेत उतरावे। यात्रीगण कृपया सावधानीपूर्वक कतार में उतरे। ये बज रहे 2 और आई हैव रीच्ड चर्चगेट स्टेशन, और यू कैन सी थोड़ी बहुत पब्लिक है यहाँ पे आ रही है, क्राउड नहीं है दोपहर के टाइम पे। वो जब मैं शाम को जाऊँगा तो आपको दिखाएंगे कितनी गर्मी होने वाली है शाम को। वेल आई एम हेडिंग टूअर्ड्स टॉप परेड, और रीज़न यही है कि आई कलेक्ट कॉइन्स एंड एंटीक्स, तो वो भी एक मेरा शौक है, हॉबी है राइट। तो 2 साल के बाद मुंबई में कॉइन का एग्जीबिशन हो रहा है जो कफ परेड में, और वहाँ पे जाके देखेंगे आज मुझे कुछ नया कॉइन मिल रहा है कि नहीं। तो स्टे विद मी राइट। सो आई एम एग्जिटिंग चर्चगेट के स्टेशन, यहाँ से मैं बाहर आ गया और मिलते हैं। फर्स्ट ये है चर्चगेट सबवे, यहाँ पे आपको बहुत सारे वेंडर्स मिल जाएंगे, स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, एंड कपड़ों की दुकान है, गेट जीन्स टॉयस एंड स्टफ, और बहुत रीजनेबल प्राइजेस में होते हैं राइट। अगर आपको बार्गेन करना आता है मेरे हिसाब से, अगर मुंबई में हो तो अपने आप बार्गेन करना सीख जाओगे। तो या यू गेट स्टफ बेसिकली, लाइक यू नो क्यूट स्टफ, तो ये सारा चर्चगेट सबवे के नीचे है राइट। और ये है हमारी मुंबई की काली पीली टैक्सी, बहुत दिन के बाद मैं टैक्सी लूंगा कफ परेड जाने के लिए। यहाँ से थोड़ा सा अराउंड 10 मिनट्स ड्राइव है, तो हम लेंगे हमारी मुंबई की काली पीली टैक्सी, बहुत सारी है। ऑलराइट, मैं सोचा था कि आई विल टेक अ टैक्सी, बट दोपहर का टाइम है तो कोई आने को तैयार नहीं था टिल कफ परेड। कफ परेड बेसिकली इज़ अ कमर्शियल हब, काफ़ी सारे कमर्शियल ऑफिसेस है, तो दोपहर के टाइम पीपल डोंट ट्रैवल। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ क्योंकि आई एम गोइंग टू वन कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन। सो आई गॉट दिस बस, लोकल BST बस है यहाँ पे, 6 रुपये में AC ट्रैवल कर रहा हूँ अंटिल कफ परेड, वेरी नाइस। और मैं पहुंच गया फाइनली यहाँ पे कफ परेड, सो मच ऑफ क्राउड हियर कॉइन एक्सपो पे। सो दे हैव स्टॉप्ड एंट्री फॉर सम टाइम, काफ़ी भीड़ है कोविड के सिनेरियो में, लाइक सारे इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं ना, सो यू हैव टू वेट। अब मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, बट स्टिल आई एम वेटिंग इन क्यू, लेट्स सी होपफुली। मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी, स्पेशली मेरा कॉइन बुक, देखते मैं अंदर जा पाऊंगा कि नहीं, कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। हम लोग अभी खड़ा 3:00 चले गए, जिसे अराउंड 3:15 हो गए, और मैंने यहाँ पे लाइन में खड़े खड़े 1.25 घंटे में बहुत सारे मेरे दोस्त लोग मैंने बना दिए, और बहुत सारे हमें सब्सक्राइबर्स यहाँ से मिले हमारे चैनल के लिए, me_ravina04 के लिए। ये हमारे नए सब्सक्राइबर, आपका नाम कुंदन मैंने हमें सब्सक्राइब किया, और उनके दोस्तों ने भी किया अभी, तो कुछ करने को था नहीं तो बस बातचीत में उनको थोड़ा चैनल देखा, उनको अच्छा लगा और उन्होंने सब्सक्राइब किया है, और आपको भी लगता है वी आर डूइंग गुड, तो कीजिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब। बोलिए me_ravinasha04 me_ravinasha04 थैंक यू। राइट, सो फाइनली आई हैव रीच्ड एक्सपो सेंटर टू कवर मुंबई कॉइन सोसाइटी 2021। अंदर एंटर इन साइड ऑडिटोरियम, यहाँ पे भी देर इज अ क्यू एंड यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। सो दिस इज हाउ एग्जीबिशन लुक्स लाइक।
are a collector, you can also collect ये सारा एंटीक देखने मिल जाएगा आपको. एंड यू सी दिस नोट हियर, 100 रुपीज का नोट, दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 9000 रुपीज. और ये सारे कॉइन्स 300 ईयर्स ओल्ड, अलग अलग जो एम्पायर था, एम्पायर्स थे उनका. You know what guys, मैं ये खरीद रहा हूँ शोले का अनयूज टिकेट 1970s का, मेरे पास होगा. वाओ, थैंक यू सो मच. और ये मुझे काफी यूनिक सा लगा, दिस इज बीएसटी बस जो होते हैं मुंबई के, उनका बस कंडक्टर और ड्राइवर का पैच है, वेरी रेयर. एंड आई थिंक मजा आएगा, आई थिंक शायद ये मैं खरीद लूंगा, देखते हैं. सर से पूछ के मुझे बताएंगे क्या भाव में आएगा. दिस आर लाइक यू नो वेरी यूनिक आर्टिफैक्ट्स, पुराने जमाने में इसको यूज करते थे वॉर के टाइम पे. वेरी नाइस यार, अंडरस्टैंड थोड़ा लाइट का इश्यू आ रहा है, थोड़ा रिफ्लेक्शन भी है, बट इट्स वर्थ सीइंग इट. कैन सी दिस आर्मरी, बहुत पुराना है, वेरी नाइस. ऑलराइट, तो बच गए हैं अभी 6:15. मैं पकड़ूंगा 6:25 की ट्रेन और पूरा दिन खत्म हो गया आज. तो आप मुझे बताना आज का ब्लॉग कैसे था, इंटरेस्टिंग था, अच्छा था, बुरा था, जो भी था मुझे आप कमेंट करके बताओ. और इफ यू कैन सी हियर, अभी ये स्टेशन चर्च गेट काफ़ी भरा हुआ है कंपेयर टू व्हाट इट वाज नून टाइम. सो ये पीक टाइम वापस है, पीपल आर रशिंग बैक होम, तो सारा स्टेशन ऐसे ही होगा भरा हुआ. 6:30 बज रहे हैं, लेकिन फिर धीरे 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 लाइक अराउंड 7:30-8 o'clock इट विल बी जैम पैक. सो दैट्स मुंबई रूटीन फॉर यू. और माय ट्रेन इसका मैं कर रहा हूँ इंतज़ार, वो भी आ गई, आई बी बोर्डिंग दिस ट्रेन. और वेल इफ यू कम टू टाउन चर्च गेट, बहुत सारे जगह एक्सप्लोर करने के लिए. मेरा सारा टाइम आज कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन में चला गया जो ये ब्लॉग में मैंने शूट किया है. सो वंस अगेन इफ आई एम कमिंग टाउन, मैं सारा डिटेल्स और अलग अलग लोकेशन जो है टाउन में जहाँ पे अच्छे खाने मिलते हैं वो सब शूट करेंगे me_avinash04 पे. और ये आ गई मेरी ट्रेन और हम चढ़ेंगे इस पे. तो ये है हमारी बोरीवली लोकल जो बोरीवली तक पहुंचाएगी, फास्ट है और अंधेरी से स्लो होगी. राइट, सो यू कैन सी मतलब फर्स्ट स्टेशन है, बट इट्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड क्योंकि लोग पिछले स्टेशन में ही आके बैठ जाते हैं और रिवर्स जाते हैं यहाँ से. सो आई एम गेटिंग द सीट टू सिट और बैठ जाते हैं. और जैसे जैसे ये भरेगा मैं आपको दिखाऊंगा कितने भरते जा रहा है ये ट्रेन. और राइट, सो आप देख रहे हो ये बस हम चर्नी रोड पहुंचे हैं, चर्नी रोड. और धीरे 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 ट्रेन में सवारियां बढ़ रही है. देख लो दादर पहुंच गए और बस भीड़ दैट्स लाइक बीन पार्ट ऑफ मुंबई लोकल ट्रेन. मुंबई लोकल ट्रेन मुंबई की जान है और यही सब लोग हम सब मिलके मुंबई को इतना कलरफुल और एकदम फाइटिंग स्पीड वाला सिटी बनाते हैं. ये है सुभाष जी, हमने ट्रेन में दोस्ती कर ली चौची गेट से लेकर कांदिली तक. और मैं इनके बहुत बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम. मेरा बैटरी पूरा मर गया था मेरे फ़ोन का, आई कुडंट रिकॉर्ड, एक सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था. उन्होंने आउट से गुड जेस्चर मुझे अपना पावर बैंक दिया और मैं चार्ज कर पाया, एंड विच इज़ रियली हेल्पफुल. सो थैंक यू सो मच सुभाष जी. और ये सारा खाली हो गया, हम पहुंच गए कांदिली. तो यू कैन सी बोरीवली लास्ट स्टॉप है, तो कांदिली में पूरा ट्रेन खाली.
खाली हो चुका है। सब पहले चीजें खाने को मिलती है, ठीक है, इसमें से एक है जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मैं बचपन से खा रहा हूँ, बस जो मैं कॉलेज में था, जो मैं ट्रैवल करता था और वो आदत छूटी नहीं। जब भी ट्रेन से जाता हूँ सफर मुंबई लोकल की, मैं ये रगड़ा पाव जरूर खाता हूँ। रगड़ा बेसिकली मतलब पल्सेस और थोड़ा सा ग्रेवी और कांदा, दैट्स रगड़ा पाव, वो मैं खाता हूँ हमेशा। तो दिस इज एंड ऑफ टेस्ट डे, आज का पूरा दिन खत्म हो गया, अभी बज रहे 7:45, मैं घर पहुंचूंगा और सो जाऊंगा। सो इफ यू थिंक वी आर डूइंग गुड, लाइक शेयर सब्सक्राइब मी_अविनाश04 पे।